ओटीटी में जिस जंग का आगाज जियो सिनेमा ने फ्री में आईपीएल दिखाकर किया था, आज उसी खेल में जियो सिनेमा को मात देने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपनी चाल चल दी है। किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सबसे जरूरी होती है उसे देखने वालों की तादाद। उसी के बदौलत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पलते फूलते हैं, यानी पैसा कमाते हैं। जियो सिनेमा ने इसी बात को भुनाने के लिए देश के सबसे लोकप्रिय इवेंट को, यानी कि क्रिकेट को, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्री में दिखाने का फैसला किया। तब बहुत हो हल्ला मचा, मार्केट को डोमिनेट करने का इल्जाम तक जियो पर लगा। अब आईपीएल तो खत्म हो चुके, लेकिन इसी स्ट्रैटेजी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार मैदान में जंग के लिए तैयार है। कैसे, चलिए समझते हैं। शुरुआत खबर से करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शुक्रवार यानी 9 जून को अनाउंस कर दिया है कि अब यूजर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एशिया कप 2023 और आईसीसी मेंस क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच फ्री में देख सकेंगे। दरअसल हॉटस्टार अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा का तरीका अजमाने जा रहा है। ऐसा करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो सिनेमा की इंडिया में ग्रोथ को चैलेंज तो करेगा ही, साथ ही जियो सिनेमा ने आईपीएल 2023 के जो भी मैच फ्री में दिखाकर रिकॉर्ड व्यूअरशिप बटोरी थी उसको भी बीट करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड व्यूअरशिप का सरताज पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही था। आंकड़ों में देखें तो जियो सिनेमा ऐप ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल में 3.2 करोड़ की रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की थी। ये दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट का सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 2019 में रिकॉर्ड व्यूअरशिप का ताज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सर था। जुलाई 2019 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा दर्शक जोड़े थे। तब ये रिकॉर्ड कई सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था। ये मैच वनडे वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल मुकाबला था, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। जाहिर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार को अब ये बात खटकती होगी, इसलिए अब फिर एक बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार एशिया कप और वर्ल्ड कप के सभी मैच फ्री में दिखाकर रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल करना चाहता है, साथ ही रिकॉर्ड व्यूअरशिप का ताज भी फिर से अपने नाम करना चाहता है। बता दें एशिया कप सितंबर में और वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में होंगे, जिसे देखने के लिए यूजर्स के पास बस डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप होना चाहिए। यूजर्स को सभी मैच देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की भी कोई जरूरत नहीं होगी। वैसे देखा जाए तो जियो सिनेमा ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार का बहुत नुकसान किया है। कभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की भारत में तूती बोला करती थी, लेकिन आईपीएल के फ्री प्रसारण ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स की संख्या को घटा दिया। भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पेड सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं। अंबानी के मीडिया वेंचर्स ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स हासिल करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार समेत कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद से भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पेड सब्सक्राइबर लगातार कम होते चले गए। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 8.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स को खो दिया था। अभी फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास भारत में 53 मिलियन सब्सक्राइबर मौजूद हैं। अब ये और ना घट जाएं, इसके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार को एक बड़ा स्टेप उठाने की जरूरत है, इसीलिए ये फ्री वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी का ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्लोबल मीडिया दिग्गज बनना चाहता है, इसलिए वे जियो सिनेमा के लिए HBO और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी इंक के राइट्स हासिल करने में लगा। अब क्योंकि पैसा लगा रहे हैं इसलिए कमाना भी है, तो धीरे धीरे ऐप पर कई कंटेंट के लिए जियो सिनेमा ने चार्ज करना भी शुरू कर दिया है। अब जियो सिनेमा इंडियन मार्केट में वॉल्ट डिज्नी कॉरपोरेशन और नेटफ्लिक्स इंक जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर रही है, जिस कारण पिछले महीने ही जियो सिनेमा ने एक साल के लिए 999 रुपये में सब्सक्रिप्शन प्लान की अनाउंसमेंट भी की थी। अब धीरे धीरे जियो सिनेमा अपने फ्री कंटेंट को कम कर रहा है, लेकिन इन सब चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का दाव काम कर जाए और जियो सिनेमा के ग्राहक डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हो जाए। खैर जो हो, इस जंग में फायदा तो ग्राहकों का ही होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं।